हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मानसून आ चुका है। इस समय 40 प्लस जो डिग्री होता है, टेम्परेचर होता है, वो तो आना नहीं है। लू तो अब पड़नी नहीं है। अब टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा 32, 33, 34। इसके आसपास रहेगा। बारिश आ रही है बाहर, तो इससे ऊपर टेम्परेचर जाना मुश्किल है। लेकिन इस समय होता क्या है, इस समय हमें एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उतनी ज़्यादा ठंड भी लगने लग पड़ती है। क्योंकि होता क्या है, बाहर का टेम्परेचर होता है 34, 35, 33, 32, और जब हम एसी चलाएंगे, एसी चलाने के 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमें ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो एसी तो चिलिंग कर रहा है, कूलिंग कर रहा है पूरी की पूरी। वो तो अपनी ठंडी हवा, उसका जो काम है वो कर रहा है। आपका जो रूम, आपके रूम का टेम्परेचर इमीडिएटली काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में हमें ठंड लगती है। ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, एसी को बंद कर देते हैं। एसी को बंद करोगे तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, चिपचिपाहट होती है बहुत ज़्यादा। तो फिर एसी चलाते हो, तो फिर एसी चलाने के बाद भी फिर वही सीन होता है भाई। 5 मिनट चलाया, ठंड लगनी शुरू होगी, फिर बंद कर दिया। तो जो एसी है उसको हम बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में कैसे चला सकते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आज आपको 3 फीचर बताने जा रहा हूँ। एक मोड तो वो है जो कि आपको, आपके पास किसी भी कंपनी का एसी हो, सभी के अंदर वो आपको फीचर मिल जाएगा। उसके अलावा 2 फीचर मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी के बता दूंगा। आप चाहें तो वो वाला मोड ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ह्यूमिडिटी भी कम होगी और एसी भी आपका चलता रहेगा। और एक फीचर वो बताऊंगा जो कि सभी रिमोट्स में आपको मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको एक फीचर बता देता हूँ वोल्टास कंपनी का। दोस्तों, जो वोल्टास का एसी है उसके रिमोट में एक बटन होता है सेवर के नाम से। आप देख पा रहे होंगे सेवर का बटन आपको दिख रहा है, उस वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है, वो किस लिए होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेवर का मतलब ही सेव से होता है, बचाना। मतलब आप जब इसको ऑपरेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ही 24 पे सेट हो जाएगा, और उसके बाद अपने हिसाब से कूलिंग भी करेगा और इलेक्ट्रिसिटी सेव भी होती रहेगी। बीच बीच में अपने आप ये बंद होता रहेगा, अपने अकॉर्डिंगली ये चलेगा, फिर आपके अकॉर्डिंगली ये नहीं चलेगा। इसमें सेवर बटन ऑपरेट हो चुका है, उसी अकॉर्डिंगली ये चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे बटन की जो सभी एसी के रिमोट में आपको मिलेंगे, वो चाहे वोल्टास का एसी हो, चाहे वो किसी और कंपनी का एसी हो, ये फंक्शन सभी एसी के रिमोट में अवेलेबल होता है। दोस्तों, अब आप रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में जो मोड ऑपरेट करेंगे वो होता है ड्राई मोड। जी हाँ, ड्राई मोड को आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, आपके रिमोट में एक मोड का बटन होगा, MODE मोड। मोड के बटन को आप प्रेस करेंगे, तो मोड के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके रिमोट में, डिस्प्ले में एक ड्रॉप बनी हुई आ जाएगी। ड्रॉप का मतलब होता है ड्राई मोड एक्टिवेट हो गया है। तो जब ड्राई मोड एक्टिवेट हो जाएगा तो वो उसका मतलब यही है कि ह्यूमिडिटी को कम करना, ह्यूमस को कम करना, जो बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी हो जाती है उसको कम करता है। वो अपने हिसाब से चलेगा, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑपरेट होगा। उसमें ना टेम्परेचर ऊपर होगा ना नीचे होगा, उसमें वो ड्राई मोड पे होने के बाद अपने आप ही चलता रहेगा, जिससे थोड़ी थोड़ी कूलिंग भी होती रहेगी, वो अपने हिसाब से चलता रहेगा और थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी सेव भी होती रहेगी, जिससे आपको ठंड नहीं लगेगी और गर्मी भी नहीं लगेगी और आपका एसी भी चलता रहेगा। अगर आप कूल मोड पे चलाएंगे तो वो ठंडा ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से आपको बार बार एसी ऊपर नीचे टेम्परेचर करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, कंप्रेसर पे भी लोड पड़ता है। जब कंपनी ने हमें फीचर दे रखा है
कि भाई आप बारिश के मौसम में ड्राई मोड पे चलाइए, जिससे ह्यूमिडिटी भी नहीं होती और कूलिंग भी होती रहती है, तो हमें वो ऑपरेट करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट फीचर की, वो किस कंपनी के रिमोट में आपको मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों डाइकिन के एसी के अंदर एक इको नाम से मोड आता है, बटन आता है, जिसको अगर आप ऑपरेट करेंगे तो वो इकोनॉमिकल चलना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिकल मतलब होता है थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, मतलब अपने हिसाब से चलता रहेगा, कूलिंग भी करता रहेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव भी करता रहेगा, दोनों आपको फ़ायदे हो जाएंगे। उससे क्या होगा ना आपको ज़्यादा, क्योंकि अगर वो रेगुलर चलता रहेगा तब तो आपको नॉर्मल बात है ठंड भी लगेगी और बिजली भी कम ज़्यादा खाएगा, लेकिन जबकि उसका फंक्शन ही इकोनॉमिकल है, मतलब ही इको मोड का ये भी इकोनॉमिकल चलेगा, तो वो थोड़ी देर चलेगा, मतलब इस हिसाब से चलेगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव भी होती रहे और आपको कूलिंग भी मिलती रहे, और जिससे आपको इसका आप यूज़ कर सकते हैं, रेनी सीजन में भी कर सकते हैं। ड्राई मोड तो है ही है, इस बटन सब में ही मिलेगा, वो इसमें भी है, वोल्टास में भी था, इसमें भी है, सभी एसी में मिलेगा, ड्राई मोड तो सभी में मिलेगा। बाकी आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बारिश के अंदर ठंड लगती है तो आप इसको चलाएंगे तो इकोनॉमिकल चलता रहेगा और थोड़ी थोड़ी कूलिंग करता रहेगा, बिजली भी आपकी बचाता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।